नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2024। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी मौजूद हैं, जो जाते हुए साल में आने वाला साल आपको क्या कुछ देने वाला है, विस्तार से, आज बहुत विस्तार से और बहुत खास जानकारियों के साथ मौजूद हैं, बताएंगे आपको। जरूर ध्यान से देखते रहिएगा आज का पूरा कालचक्र, क्योंकि अगले 12 महीनों का पूरा लेखा जोखा आपके सामने होगा। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। क्या 2024 आपके जख्म भरेगा? क्या 2024 आपकी मुस्कान बनेगा? क्या 2024 बेहतरीन साल होगा? 2024 की हर बात जानिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। देखिए भविष्यवाणी 2024 सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, आज है साल का आखिरी दिन। अगर साल 2023 में आपने बड़ी सफलता हासिल नहीं की है, नौकरी में मुश्किलें उठानी पड़ी हैं, हर मोड़ पर आपको संघर्ष करते रहना पड़ा है, निवेश से नुकसान की स्थिति उत्पन्न हुई है, दवाइयों पर ज्यादा पैसा खर्च हुआ है या फिर बैंक बैलेंस कम हुआ है, तो राशि अनुसार जानिए आज साल 2024 का पूरा लेखा जोखा। साल 2024 के किस महीने आपको तरक्की मिलेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, साल 2024 में कब आपको टेंशन झेलनी पड़ सकती है और कब सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, आज सुरेश पांडे जी आप सभी को साल 2024 की सबसे सटीक भविष्यवाणी और राशि अनुसार पूरे साल का लेखा जोखा बताएंगे। तो टीवी छोड़कर कहीं मत जाइए सबसे पहले, और अपनी चर्चा को आज शुरू करें उससे पहले आइए शुभ मुहूर्त जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त और उसके बाद आगे की चर्चा। आज 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार है। आज पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 11:55 तक, इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। मघा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा, ये मूल संज्ञक नक्षत्र है, और प्रीति योग रात 3:41 तक, इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे रविवार है तो राहु काल रहेगा शाम 4:30 से 6 तक, यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:24 से 1:42 तक, और गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:59 से शाम 4:17 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब, क्योंकि जाता हुआ साल हम सबके लिए बहुत सारी यादें छोड़े जा रहा है और आने वाला साल बहुत सारी यादें बनाएगा, बहुत कुछ ऐसा नया जीवन में होगा जिसके माध्यम से हम अपने उन लक्ष्यों को छुएंगे जिसका सपना हम सब देखते हैं, इसलिए आज की चर्चा बहुत ज्यादा खास हो चर्चा और राशि अनुसार 2024 का पूरा लेखा जोखा आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत मेष राशि के जातकों के साथ। मेष राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है, कब आपको तरक्की मिलेगी, कब पैसा बढ़ेगा, कब आपकी किस्मत खुल सकती है, किस्मत के दरवाजे खुलेंगे, पंडित जी मेष राशि वालों के लिए 2024 क्या कहता है? देखो, अगर आपकी मेष राशि है, ठीक है, अगर आपकी मेष राशि है तो आप ये मान के चलिए कि आपके राशि में अप्रैल 2024 तक बृहस्पति रहने वाले हैं और आपके एकादश भाव में पूरे साल शनिदेव रहने वाले हैं और आपके कुंडली के द्वादश भाव में राहु पूरे साल रहने वाला है और आपके कुंडली के छठे भाव में केतु पूरे साल रहने वाला है। तो कहने का मतलब जनवरी 2024 की शुरुआत संघर्षपूर्ण होगी, लेकिन कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। अगर आपको थोड़ी सी भी बीमारी महसूस हो रही है तो किसी अच्छे विशेषज्ञ से परामर्श लेकर दवाई करें, शरीर से लापरवाही बिल्कुल ना करें, मेरा ये सुझाव जरूर मानिएगा। फरवरी 2024 की बात करें तो जो ग्रहों का ट्रांजिट आपकी राशि को दिखा रहा है वो ये कह रहा है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, कागज, यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टी के कागज हैं या आपका पासपोर्ट वगैरह है, इन सब चीज़ों को संभाल करके रखें और अपने विरोधियों पर भी क्रोध करने की कोशिश ना करें। और ये महीना आपको कर्ज उतारने का सबसे अच्छा महीना है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई देनदारी है तो कोशिश करिए कि इस महीने में आप उसको उतारिए। मार्च के महीने का जो आपका ग्रह गोचर है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहने वाला है।
आप कहीं पैसा लगा सकते हैं, शेयर में लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, कार्य क्षेत्र या शिक्षा में तनाव की स्थिति बन सकती है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो अप्रैल का महीना आपको ये संकेत कर रहा है कि जो भी डिसीजन लेना हो आप समझ सोच के लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस महीने आपको तनाव बढ़ सकता है, लेकिन यदि आप विवाह योग्य हैं तो कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है और पुराने रोगों से भी आपको निजात मिलेगी। मई 2024 में काम, रिश्ते और सेहत ये बेहतर होंगे, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे जिससे आपकी आजीविका श्रेष्ठ होगी। सफलता के लिए अच्छी योजनाएं बनानी होंगी। जुलाई 2024 कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ेंगे, कुछ बड़े डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। इसी तरह से अगस्त 2024 का जो महीना होगा उसमें बकरी शुक्र असफलता का कारण बना सकता है, संभल कर रहिएगा। खास करके वो लोग संभल के रहें जो मीडिया या ग्लैमर की दुनिया में है। सितंबर 2024 कुछ रुकावटें आएंगी, पूरा पेशेंस, पूरा धैर्य बना करके काम करें, विचलित ना हो। अक्टूबर की महीने में अगर आप अपने टारगेट को हासिल करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो अपने लोगों को अपने साथ जोड़ करके चलने की कोशिश करिए। नवंबर 2024 में संघर्ष आएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि सफलता भी बाद में मिलेगी। इसी क्रम में दिसंबर का जो महीना है 2024 का, वो मंगल, बुध और सूर्य ये तीनों ग्रह आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी और सन 2025 की शुरुआत भी आपके लिए अच्छी होगी। बस इस पूरे साल आपको करना क्या है ये बात आप जान लीजिए। पूरे साल आपको सुबह शाम राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना है, या गोपाल सहस्र नाम का पाठ करना है, या विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना है। अगर ये तीनों उपाय में से कोई एक उपाय अपना लेंगे आप, तो मैं दावे के साथ कहता हूं पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।